कबूतर को देख देख के दोस्तों हैरान हो गया हूँ। ये चेक करें, माशाल्लाह से हमारा मुर्गा और मुर्गी काफ़ी हद तक बेहतर है आज। माशाल्लाह से इन दोनों मैंने बाहर खोला हुआ है और बाहर इनको खुले में मैंने दाना डाला हुआ है। तो दोस्तों आज मैं छत पे ही हूँ तो मैंने सोचा इनको बाहर खोल देते हैं ताकि छत पे घूमें फिरें, पार्शल मारें, इनका जिस्म जो है वो खुले। आज मैंने काफ़ी कबूतर बाहर निकाले हुए हैं, कुछ नए और कुछ पुराने कबूतर। कबूतर भी मुर्गियों के साथ ही दाना आज खाएंगे। ये कुछ कबूतर जाल के ऊपर बैठे हुए हैं और कुछ कबूतर नीचे उतरे हुए हैं। दोस्तों हमारे जाल पे एक नया कबूतर आके बैठा हुआ है, मेरी अभी नज़र पड़ी है। ये वाला जो कबूतर है इस कोने पे बैठा हुआ है, ये कबूतर नया आके बैठा हुआ है। इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्या पता ये हमारे कबूतर हाथ आ जाए। ये कबूतर कुछ हमारे जाल के अंदर हैं, कुछ जाल के ऊपर हैं और ये कुछ बाहर कबूतर फिर रहे हैं। इधर आज मैंने मुर्गों को भी बाहर निकाला हुआ है, तो पहले दोस्तों मुर्गों को पहले बंद कर लेते हैं ताकि कबूतर पकड़ने में हमें आसानी हो। ये कबूतर ऊपर बैठा हुआ जी, इनको देते हैं थोड़ा सा दाना ताकि जो कबूतर हमारे जो ऊपर बैठे हैं वो सारे नीचे उतर आए। ये दोस्तों कबूतरों को मैंने दाना डाल दिया जी। अभी फिलहाल 5 कबूतर ऊपर है, 4 अपने हैं, एक जो कबूतर आया हुआ बाहर से। ओ ये तो बड़ा ख़तरनाक काम है, मुर्गा जो है वो अब कबूतरों का दाना खा रहा है, कबूतर अब डर के वैसे नीचे नहीं उतरेंगे तो ये तो मसला बन गया। पहले दोस्तों मुर्गी को बंद करते हैं ताकि ये इस तरफ आए ही ना। मुर्गा और मुर्गी दोनों को मैंने बंद कर दिया है, कबूतर जो हैं सारे अपने उतर आए हैं और वो कबूतर जो नहीं आया हुआ है वो फिलहाल दोस्तों ऊपर बैठा हुआ है, ये देखें सामने बैठा हुआ है। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल ही अकेला हो गया उसके ऊपर जाल के ऊपर। तो अगर थोड़ी सी भी छेड़छाड़ की तो ये कबूतर उड़ जाएगा, क्योंकि अपने सारे कबूतर नीचे आ गए। उनको दोबारा से सबको उड़ाते हैं ताकि ये ऊपर जाके बैठें और उसको साथ ले आएं। ये तो दोस्तों जाने के नहीं है, चलें जी कोशिश करते हैं नीचे उतर आए। अस्सलाम वालेकुम, तो उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। ये दोस्तों कबूतर बैठा हुआ है जी, अब ट्रिक लगाने लगा हूँ। ये इसको ऐसा ऐसा खींचता हूँ तो ये बुक खुल जाएगी, ऐसी खुल जाएगी। कबूतर को किसी तरीके से इसके ऊपर लेके आते हैं जी, ये अपने कबूतर अब आ गए तो इसको किसी तरीके से इस बुक के ऊपर लेके आते हैं। तो ये इसको ऐसा करेंगे, बुक को इस तरह बंद कर देंगे। तो कोशिश मैं करता हूँ जी किसी तरीके से इस कबूतर को बुक के ऊपर लेके आने की। आज दोस्तों मैं छत पर अकेला ही हूँ। ले जी दोस्तों बुक को मैंने खोल दिया है और सारे कबूतर जो हैं अपने नीचे आ गए हैं। अब ये अकेला कबूतर ऊपर है, अब आहिस्ता आहिस्ता सब कबूतरों को उड़ाते हैं कि ताकि ऊपर जाके बैठें। ये लें जी अब कबूतर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बैठेंगे। लें जी बुक मैंने खोल दी है, अब देखते हैं जी क्या होता है इसके साथ। ले जी दोस्तों अकेला ही था तो कबूतर को बड़ी मुश्किल से मैंने जाल के अंदर कर दिया जी। ये देखिए अभी भी कबूतर बुक के साथ ही लटका हुआ, ये देखा आपको नजर आया, ये कबूतर भी बुक के साथ लटका हुआ है, बेबी पिजन है। ले जी दोस्तों कबूतर हमने लिया पकड़, अब ये इस जगह आके बैठ गया, बुक से उतर के नीचे जाले के साथ चिपक गया है। दोस्तों मैंने अभी एक कबूतर और पकड़ा है, तीसरा कबूतर जो है ना ये आके बैठ गया। एक मैंने बेबी पिजन पकड़ा है, उसके अलावा मैंने एक और कबूतर पकड़ा है, तीसरा कबूतर ये टैंकी जाल में बैठा था, यहाँ से पकड़ते उड़ के ये सामने ये बैठा हुआ जी। तीसरा कबूतर यहाँ चला गया, एक ये सामने जो कबूतर है ये वाला पकड़ा है, नीचे उतरा है, ये बड़ा कबूतर है बेबी पिजन, अभी वो ऊपर ही बैठा हुआ है। तीसरा कबूतर उधर जाके बैठ गया, अब कोशिश कर रहा हूँ क्या पता वो जाल पे आ जाए। कबूतरों को नीचे मैंने दाना दिया हुआ है, दूसरे वाले कबूतर की मैं वीडियो शूट नहीं कर सका, वो बड़ा मुश्किल से मैंने पकड़ा, अगर उसको मैं वीडियो शूट करता तो वो कबूतर उड़ जाता। दाना शायद मैंने कबूतर को नीचे दे दिया है, दो कबूतर जाल में, तीसरा इधर साथ वाले पीछे मकान पे बैठा हुआ है, अगर आ गया तो वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। फिलहाल दोस्तों कबूतर वो टैंकी के ऊपर सामने बैठा हुआ है, बिल्कुल जैम ही हो गया, वहाँ से उठ नहीं रहा, यहाँ देख तो रहा है अपने कबूतरों की तरफ, क्या पता उड़ के आ जाए। दोस्तों चौथा कबूतर आगे बैठ गया जी, वो सामने देखें वो कबूतर बैठा हुआ है, एक इस तरह बैठा हुआ है, दो मैंने पकड़ लिए हैं। इस तरह कबूतर ये सामने ये बैठा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये चेक करिएगा, ये कबूतर आके बैठ गया, तीसरा और चौथा ये बैठा है इसके ऊपर। आज तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा कबूतर उड़ के आ रहे हैं जी।
मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। दो पकड़ लिए, दो आर पार की छतों में बैठे हुए हैं, क्या पता ये भी छत पे आ जाएं। ये वाला जो कबूतर है ये देख रहा है अपने कबूतरों की तरफ, मेरे ख्याल से भी उड़ के आ जाएगा। तीसरा कबूतर भी हमारी छत पे उतर आया है। ये वाला कबूतर इस जगह बैठा हुआ था, यहाँ से उड़ा है तो हमारी छत पे आके उतर गया है। मैंने कबूतरों नीचे दिया है दाना, तो उनके साथ अब ये दाना खा रहा है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता केज में लेके जाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा इसको छेड़छाड़ की तो ये दोस्तों उड़ जाएगा। केज में कबूतर हैं, इनको देते हैं पहले दाना। यहाँ दोस्तों मैंने दाना डाल दिया जी केज में, अब इस कबूतर को आहिस्ता आहिस्ता अंदर लेके आने की कोशिश करते हैं जी अपने कबूतर। ओ शिट, एक कबूतर हमारा उड़ गया जी। चलो भाई चलो, चलो भाई चलो दोस्तों, ये तो आज भागेगी भागेगा। चलो भाई चलो, चलो भाई चलो, ले जी दोस्तों, ये तो खुद बखुद ही माशाल्लाह से अंदर चला गया जी। फाइनली फाइनली दोस्तों हमने तीसरा कबूतर भी पकड़ लिया है। दो ये सामने बैठे हुए, ये बेबी पिजन, एक कबूतर इधर ऊपर बैठा हुआ है, तीसरा ये सफ़ेद वाला जो है ये थोड़ा सा मैला हुआ है गुब्बारा कबूतर है, ये तीसरा हमने पकड़ा। बहुत बड़ा कबूतर है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इसका साइज़ चेक करें, इस कबूतर का ये चेक करें दोस्तों, कितना बड़ा कबूतर है। मैं तो खुद ही हैरान हो गया जब ये हमारे छत पे आया तो मैंने देखा ये बहुत बड़ा कबूतर था, ऊपर बैठा हुआ था दूसरे मंजिल पे, तो जब छत पे उतरा तो मैंने देखा ये तो बहुत बड़ा कबूतर है दोस्तों, कितना बड़ा कबूतर है। ये बाकी अपने कबूतर है, बेबी पिजन इस तरफ गया जी, ये बेबी पिजन है छोटा सा, और एक कबूतर फिलहाल ऊपर बैठा हुआ, वो अभी नीचे नहीं उतरा। आज दोस्तों मैंने सारे कबूतर बाहर निकाल दिए, जो नए पुराने जिनके पर मुकम्मल थे नहीं थे, सारे के सारे मैंने कबूतर बाहर खोल रखे हैं। ये देखे अभी हमारा पूरा जाल भरा हुआ है कबूतरों से, इतने ज़्यादा मैंने कबूतर बाहर निकाले हुए हैं, जो गिफ्ट आए थे, जो हमने पकड़े थे, जो हमने लिए, जो हमारे पुराने कबूतर थे, तमाम कबूतर मैंने सारे बाहर निकाल दिए। ये जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं ये भी सारे मैंने बाहर निकाले हैं, अभी इनको मैंने वापस बंद किया है। जब कबूतर हमने पकड़ा है ना उस टाइम इन कबूतरों को मैंने बंद किया, बाकी जो दो तीन कबूतर जो जिनके मुकम्मल पर नहीं थे वो भी मैंने साथ अंदर बंद कर दिए हैं। अब टाइम है दाने का, इनको दोस्तों कर देते हैं हम दाना, ताकि जो जाल के अंदर जो ऊपर कबूतर बैठे ये भी नीचे उतर आएँ, जो जाल के बाहर हमारे अपने कबूतर बैठे हुए हैं वो भी सब नीचे उतर आएँ। ये चेक करें जी कबूतर, मैं तो उसको कबूतर को देख देख के दोस्तों हैरान हो गया हूँ। ये चेक करें, जो केज में कबूतर बनते सब कबूतर को दोस्तों मैंने दाना दे दिया है, अब जो केज के बाहर कबूतर बैठे हैं उन सबको दाना देना है, उनको आस्ते आस्ते नीचे उतारना है कबूतरों को। दाना मैंने नीचे डाल दिया है, फिलहाल एक कबूतर अभी नीचे आया है, बाकी ये 15-20 कबूतर जाल के ऊपर ही बैठे हुए हैं जी, ये अभी सारे ऊपर बैठे हैं। ये आप पता नहीं किस टाइम नीचे उतरते हैं, ये जब आस्ता आस्ता सब नीचे आना शुरू हो गए। जो हमने किंग कबूतर बड़ा पकड़ा है ना, इसके साथ के दो थे, किसी का पैर उड़ के आया हुआ था, दो कबूतर थे, एक हमारी साथ वाली इस वाली बिल्डिंग में बैठा हुआ था, एक इस वाली बिल्डिंग में बैठा हुआ था, जो इस वाली बिल्डिंग में बैठा था वो उड़ के आया है हमारे पास, तो दूसरा कहीं उड़ ही गया है। चार कबूतर टोटल आए थे हमारे पास, तीन पकड़ लिए हैं, एक उड़ गया था, चौथा कबूतर हम नहीं पकड़ सके। हाँ भाई तुम कहाँ घूमने फिरने गए हो, वापस आ जाओ, आ जाओ ये बैठ के जी।